गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स फॉर यू। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस, देन यू कैन लाइक, क्लिक ऑन द लाइक बटन, एंड फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट्स सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। रिगार्ड्स, ऑनलाइन मैथ्स फॉर यू टीम। सो गाइस, आज हम रेशियो पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 में आपको थोड़ा सा बेसिक्स करवाऊंगा। जो बेसिक्स हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो रेशियो पार्ट 3। रेशियो पार्ट 3, सो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, इसमें रेशियोज़ के अंदर दो कंसेप्ट्स होते हैं। फर्स्ट, इधर रेशियो इंक्रीज हो रहा होता है और रेशियो डिक्रीज हो रहा होता है। थर्ड होता है कि रेशियो कांस्टेंट है। जब भी रेशियो इंक्रीज या रेशियो डिक्रीज होगा तो उसे हम इक्वल कर सकते हैं, वो मेथड में आपको बताऊंगा। और जब रेशियो दो क्वांटिटीज में कांस्टेंट होता है तो उस रेशियो को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। सो रेशियो में यही बेसिक तीन कॉन्सेप्ट्स लगेंगे जिससे पूरा रेशियो और आगे आने वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बेसिक इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो व्हाट द क्वेश्चन से इज, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 950 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 5:11:3। सो ए बी एंड सी 3 पर्संस हैं, उनके बीच में रुपीज 950 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। किस रेशियो में? 5:11:3 रेशियो में। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी एंड ए? सो हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड ए। सो देखते हैं हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसे। सो इसका सोल्यूशन मेरे आज के बाद अब इस मेथड से सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। सो बेसिकली 950 रुपीज़ आपको गिवन है, वो 3 रेशियोज में डिवाइडेड है, ए बी सी। सो ये ए बी सी किस रेशियो में डिवाइड है? 5:11:3। सो टोटल जो है, टोटल 19 रेशियो की वैल्यू आपको 950 गिवन है। सो एक रेशियो की वैल्यू आपको 50 आएगी। सो अब क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड ए। सो बी एंड ए, बी माइनस ए, यानी बी माइनस ए इक्वल्स टू 11-5 विच इज इक्वल्स टू 6। सो रेशियो का डिफरेंस 6 है। अभी 6 को इंटू 50 कर देंगे, सो द आंसर विल बी 300 रुपीज। आंसर विल बी 300 रुपीज, राइट। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकेंड क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 3:4। सो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 3:4। सो 3:4, राइट। इफ 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द रेशियो बिकम 3:5।
फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। सो ये इनिशियल था। आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग 10 लीटर्स ऑफ वाटर द रेशियो चेंजेस टू 3:2। 10 लीटर्स ऑफ वाटर द रेशियो चेंजेस टू 3:5। सो वहाँ ये इसमें लगेगा कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट इंक्रीज और कांस्टेंट होने का। सो देखते हैं, हमने वाटर ऐड किया है, हमने 10 लीटर्स वाटर ऐड किया है जी, प्लस 10 लीटर्स हमने वाटर ऐड किया। सो जो मिल्क था वो सेम है, मिल्क इज सेम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मिल्क इज सेम, तो ये जो डिफरेंस है 4 और 5 का जो डिफरेंस है, मींस जो 1:1 का मेरा डिफरेंस है, वो मुझे 10 लीटर्स दिया हुआ है, तो मेरा जो जो मेरा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क होगा, यानी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो मुझे 3 है, तो मेरा 3 × 10 इज इक्वल्स टू 30 लीटर्स ऑफ मिल्क होगा। दिस इज योर आंसर, राइट। एक की वैल्यू, डिफरेंस देखिए, ये कांस्टेंट था, डिफरेंस है, एक की वैल्यू 10 दी हुई है, क्योंकि वाटर चेंज होगा, मिल्क तो सेम रहेगा क्योंकि सेम था, तो एक की वैल्यू 10 दी हुई, तो इनिशियली में आपका 3 था, तो 3 की वैल्यू 30 आएगी, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इनकम एंड एक्सपेंडिचर से है, क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:8। ए एंड बी की जो इनकम है वो है 3:8। इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 2:7, एक्सपेंडिचर उनका बेसिकली 2:7 है। इफ ईच ऑफ देम सेव 600 रुपीज, और उनकी सेविंग 600 रुपीज है, फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की इनकम क्या होगी, फाइंड करनी है। सो देखिए, इसको इसको कैंसिल करते हो, 1:1 का रेशियो है, इनकम 3 है, ए की एक्सपेंडिचर 2 है, इनकम बी की 8 है, एक्सपेंडिचर बी का 7 है, तो बेसिकली सेविंग जो होती है इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे ए को देखेंगे तो 3 − 2 = 1, एंड बी की जो सेविंग्स है वो 8 − 7 = 1। सो जो सेविंग्स का रेशियो है वो भी 1:1 है। सो आपको इस सेविंग के 1:1 की वैल्यू 600 दी हुई है, 600 रुपीज़ गिवन है, तो फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए की एज इनकम हो गई 3 × 600, 1800 रुपीज़, एंड बीज इनकम इज इक्वल्स टू 8 × 600, विच इज इक्वल्स टू 4800 रुपीज। इट इज एज सिंपल, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बट आप इसे ओरली भी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे 3-4 बार करेंगे तो आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में लग जाएगा, और आगे वाले आने वाले यूनिट्स में भी आपको ये लग जाएगा। सो क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 भी सेम है प्रीवियस टाइप, बट इसमें डिफरेंस देखना, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3, इनकम ए इज टू बी 2:3, एक्सपेंडिचर एंड रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 3:5, एक्सपेंडिचर इज 3:5, इफ ईच ऑफ देम सेव्स 500 रुपीज, सेविंग
500 रुपीज़ दोनों सेव करते हैं। फाइंड इनकम ऑफ ए एंड बोथ ए एंड बी की इनकम फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये देखिए, ये इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था उसी से रिलेटेड। तो जो इनकम है वो ए की 2 है, एक्सपेंडिचर 3 है। सिमिलरली बी की जो इनकम है वो 3 है, एक्सपेंडिचर 5 है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप 2 रुपये कमाते हो तो आप 3 रुपये खर्च कैसे कर सकते हैं? सो आपको समझ जाना चाहिए कि इसको हमें पहले बैलेंस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन को बैलेंस करने का क्या तरीका है ये देखिए। अगर हम सेविंग निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम करते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड 5 माइनस 3 इज़ 2, राइट। 1 एंड 2 का रेशियो आ रहा है, पर सेविंग्स जो हैं वो दोनों 500 500 कर रहे हैं, तो हमें इक्वल करनी है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, इन दोनों में डिफरेंस 2 का है। 5 माइनस 3 इज़ 2 एंड 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। सो इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2 से करेंगे एंड इसको हम 1 से करेंगे, इनके डिफरेंस से, राइट। जब हम डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 a:b की नई वैल्यू जो आएगी वो 6 एंड यहाँ पे 3 एंड 5। अब देखते हैं, 4 एंड 3 1 6 5 1, इट इज़ नाउ बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड हो चुका है। अब बैलेंस करने के लिए, बैलेंस होने के बाद अब इनमें डिफरेंस देखिए, एक रेशियो का डिफरेंस आपको 600 रुपये दिया हुआ है। सो एक रेशियो का आपको डिफरेंस 500 रुपये दिया हुआ है, आई मीन 500 रुपीज़, क्योंकि इस एक 500 रुपीज़। सो पूछा क्या उसने, एज इनकम निकालेंगे तो रेशियो इज़ 4, 4 इंटू 500 इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज़ एंड सिमिलरली बीज इनकम इज इक्वल्स टू 6 इंटू 500, 3000 रुपीज़। हम नए वाले रेशियो से ही मल्टीप्लाई करेंगे, पुराने से आपको कोई लेना देना नहीं है, जब आपका ये बैलेंस हो जाएगा, राइट। ये 4 क्वेश्चंस थे, आप इसे प्रैक्टिस करिए बार बार, और 2 4 बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह, और फिर आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑनलाइन मैथ्स फॉर यू, एंड लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।